सिवयोंज में गोल्डन सिटी के ओनर यूसुफ और यूनिस खान द्वारा फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण 2022-23 में बनवाया था, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूसुफ खान और यूनुस खान ने जालसाजी कर अपनी दादी का 2008 में सिवयोंज में मृत होना बताया और फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। मामले को लेकर पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी के हस्तक्षेप के बाद सिवयोंज थाना प्रभारी ने यूनुस और यूसुफ खान रोलपुरा निवासी पर आईपीसी के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। बता दें कि 8 जुलाई को मामला दर्ज होने के बाद भी आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले पर जब एसटीओपी से बात हुई तो बताया कि दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अभी वो फरार हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये शिकायतकर्ता सदमा नाम की एक शिकायतकर्ता है महिला, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि सिरोंज कस्बा में यूसुफ और यूनुस नाम के दो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जो है अपने दादी का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाकर उनके जो वैध उत्तराधिकार हैं उनसे भिन्न लाभ प्राप्त कर लिया गया है। इस विषय पर जब जांच की गई तो ये बात सामने आई कि जो इनकी दादी मृतका थी वो 2003 की मृत्यु भोपाल में हो गई थी और उनके जो भाई थे, जो इनके यूसुफ और यूनुस के भाई हैं यासीन नाम के, उनके पास इनकी दादी रहा करती थी और उन्होंने उसका कफन दफन कर दिया था 2003 में और उसका मृत्यु प्रमाणपत्र उन्होंने भोपाल नगर निगम से 2004 में ही तैयार करवा लिया था और उसके बाद उसके आधार पे उसके जो लाभ थे जैसे गैस राहत प्रकरण में भी उस मृत्यु प्रमाणपत्र से उनके द्वारा लाभ लिया जा चुका था। लेकिन यहाँ ये विवाद था कि जो उनकी यहाँ पैतृक संपत्ति थी सिरोंज में, उस संपत्ति में जो ये यूनुस और यूसुफ द्वारा उनको लाभ से वंचित करने के उद्देश्य से उन्हीं दादी को 2008 में मरना बताकर नगर पालिका से एक नगर पालिका सिरोंज से मृत्यु प्रमाणपत्र दूसरा जारी कराया गया जो वर्ष 2022-23 के दौरान जारी कराया गया था। इस प्रकार उन्होंने ये शिकायत की कि एक ही महिला की दो बार मृत्यु कैसे हो सकती है और उसके दो पृथक पृथक मृत्यु प्रमाणपत्र कैसे जारी हो सकते हैं। इन विषयों पर जब पुलिस ने गंभीरता से जांच की तो ये पाया गया कि जो बाद में मृत्यु प्रमाणपत्र बनाया गया था वो झूठे और असत्य आधार पर तैयार किया गया है और उससे अवैध लाभ प्राप्त किया गया है।